उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव प्रसार को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एकदम जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रही हैं। सभी पार्टियां अपने अलग अलग मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रही और आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री बनाने के लिए उसके लिए दावा ठोक रही हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी की पार्टी हो, चाहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, भाजपा हो, सभी राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं इस समय जमीन पे उतर गए और धरातल पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इस समय मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हूँ, जो राजनीतिक का पाठशाला कहा जाता है। यहाँ के छात्र यहाँ से पढ़कर बड़े बड़े राजनीतिक क्षेत्र में हो या प्रशासनिक क्षेत्र में हो, यहाँ के छात्र अपना एक परचम लहराया, यहाँ का एक इतिहास है। और इस समय हम छात्रसंघ भवन के पास है, लगातार 450 दिनों से ये छात्र आंदोलन में बैठे हैं। लेकिन आज हम इनसे जानते हैं कि इन छात्रों की राय क्या है, इनकी मांग क्या है और छात्र इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या मांग है और किस मुद्दों पे वोटिंग करेंगे। आइए सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की सरकार बनाना चाहते हैं और छात्रों के हित में उनकी क्या मांग है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लगातार यहाँ पे संसद में आप बैठे हो, 400-450 दिन हो, तो क्या मांग है आपकी। देखिए, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ भवन एक ऐतिहासिक धरोहर है और इस छात्र संघ भवन से बहुत बड़े राजनेता भी निकले हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरा पासपोर्ट हो जाता है। और इस वर्तमान की सरकार में जो केंद्र और राज्य की सरकार है, इससे किसान नाखुश है, छात्र नाखुश है, नौजवान ना, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और आप देख रहे हैं कि किसान अन्नदाता होता है, किसानों को किस प्रकार कुचला जा रहा है। आज 453 दिन हो गया छात्र संघ बहाली समेत विभिन्न मुद्दों को मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन न तो केंद्र की सरकार, न तो राज्य की सरकार, न तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के कान में जूर रह रहा है कि आखिर छात्रों की मांगें क्या हैं। और ऐसे ऐतिहासिक धरोहर पर पूरे कोरोना काल रहा हो, गर्मी, बरसात, ठंडी जैसे समय पर भी लगातार यहाँ पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। क्या क्या मांगे हैं आप। हमारी मांग यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो गौरवशाली छात्र संघ है उसको बहाल किया जाए, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के निकले हुए नेता जिस भी पार्टी के हों और जो सत्ता में रहते हैं, सत्ता के गलत नीतियों का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। छात्र की वोटिंग, छात्र कहते हैं ना, युवाओं का जो एक काफिला है वो भारत देश में बाहुल है, बहुमत है उनका। तो छात्र की क्या मांग है चुनाव को लेकर, छात्र मतलब किस तरह की सरकार चाहती है। देखिए, इस वर्तमान की हाथाताई सरकार को छात्र एक तरफा नकार चुका है। जैसा कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से नहीं, जो कि डेली जीएसयू में आप चले जाइए, वहाँ पर भी बहुत बड़े अधिकारी निकलते थे और कंपटीशन करने वाले छात्र हैं, जो कहा जाता था कि वही डेली जीएसयू जहाँ आईएएस फिशर निकलते थे। और आज छात्र जितने वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर अपने आप को सुसाइड कर ले रहे हैं। आज भाजपा सरकार छात्रों के हित में बिल्कुल नहीं कार्य कर रही है। अरे, लगातार युवाओं को रोजगार देने की बात भाजपा सरकार कर रही है अपने 5 साल के जो कार्यकाल रहा, क्या कहना है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट रही हो, जब योगी जी यहीं 2014 में आए थे तो इन्होंने कहा था कि युवाओं के लिए हर साल रोजगार, दो करोड़ रोजगार का सृजन करेंगे। लेकिन ये योगी सरकार, ये जो मोदी सरकार है, युवाओं को निराश और हताश की है। ना इन्होंने 2 करोड़ को रोजगार का दिया युवाओं को, और चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार रही हो, इन्होंने अभी कहा कि 4 लाख नौकरियां दिया मैंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में। तो युवाओं को इन्होंने कहाँ 4.5 लाख नौकरियां दिया, ये दिखाएं युवाओं को। और ये चाहे कलकत्ता का मैनिफेस्टो हो, चाहे बंगाल, चाहे बिहार का हो, बड़ा बड़ा अखबार में ऐड तो निकल रहा है रोजगार को लेकर। जी, वही रोजगार की बात मैं कर रहा हूँ। इन्होंने रोजगार के जो ऐड अखबारों में निकला, ये बंगाल का दिखा रहे हैं, हैदराबाद का दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र, अपने अपने जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ के ऐडों को ये उत्तर प्रदेश में दिखा रहे हैं। लेकिन जो धरातल पे है, जो जमीन पे है, हम लोग भी युवा हैं, हम लोग भी छात्र हैं, छात्र नेता हैं, हम लोग भी डेलीगेसी में जाते हैं, हॉस्टलों में जाते हैं, नौजवानों की ये बात करते हैं, नौजवानों की जो बात करने का इनके दावे हमेशा खोखले रहे। युवा इनसे इतना नाराज़ है, नाखुश है कि आने वाले दिनों में इन्हें
इसी उत्तर प्रदेश की धरती से उखाड़ फेंक के और अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेगा। अखिलेश यादव के आंखों में आंख मिलाकर नौजवान उनके सपनों को देख रहा है, अपने सपनों को देख रहा है। उनका भविष्य अखिलेश यादव के हाथों में, जब अखिलेश यादव की सरकार रहती है तो नौजवान खुश रहता है, नौजवानों को नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है उनको, चाहे नौजवानों को हर तरह का रोजगार मिलता है, उनको कभी निराशा नहीं हुई। हर हमारे नेता ने हर प्रकार से उन्होंने रोजगार देने का सृजन किया और नौजवानों को खुश करने का काम किया। राहुल पटेल छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अखिलेश यादव की तरफ मतलब पूरी तरीके से आपका जो समर्थन है वो समर्थन अखिलेश जी, हम लोग अखिलेश यादव जी को पूरा समर्थन देते हैं। आज का जो युवा है, जो उत्तर प्रदेश का युवा है, अखिलेश यादव जी को आशा। प्रियंका गांधी वाड्रा भी उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव प्रचार कर रही है, युवाओं की बात वो भी करती है, क्या कहना है? जैसा कि ये अभी उत्तर प्रदेश में तो इन्होंने 27 साल राज किया था, उसके बाद से जब से ये गायब हुई कांग्रेस की सरकार, तब से तो इनका जनाधार न समझ में आ रहा है, न समझ में आने वाला है, न इनकी सरकार यहाँ दिख रही है। युवा सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी को आशा भरी निगाहों से देख रहा है। अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाएगा, अपने सपनों को साकार करेगा, युवा रोजगार लेगा, किसान अपने हक को लेगा, बिजली पानी सड़क सिंचाई की व्यवस्था लेगा। इसी में किसानों की तरक्की होगी, नौजवानों की तरक्की होगी, युवाओं की तरक्की होगी और युवा खुशहाल रहेगा, किसान खुशहाल रहेगा, तभी प्रदेश खुशहाल रहेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो राजनीति का एक मतलब कहते हैं ना, पाठशाला कहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हमारे और भी छात्र आपसे बातचीत करते हैं कि छात्र संघ बहाली लेकर आपका धरना लगातार जारी है, लेकिन विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो किस पार्टी की तरफ आपकी जो मत है, क्या चाहते हैं? देखिए सर्वप्रथम बता दें, हम लोग जो है छात्र संघ भवन पर यहाँ पर धरने बैठे हुए 453 दिन हो गया है, और छात्र संघ व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए एक आवश्यक संस्था है, इसका बहाल होना बहुत ही जरूरी है। एक तरफ आप देख लीजिए, शिक्षकों का चुनाव यहाँ पे हुआ, कर्मचारियों का चुनाव यहाँ पे हुआ, और विश्वविद्यालय प्रशासन से भी हमारा एक सवाल है कि छात्र संघ से परहेज क्यों, छात्र संघ से गुरेज क्यों? और रहेगी बात विधानसभा के चुनाव की, तो सभी युवा नौजवान उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश का हताश और निराश हो चुका है। एक तरफ यहाँ पर जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके पुत्र, उनके पिता तुल्य, उनके पिता हम लोगों के देश के अन्नदाता किसान भी विगत एक सालों से धरनारत हैं, और यहाँ पर उन्हीं किसानों के पुत्र, क्योंकि यहाँ पे आने वाले अधिकांश लोग किसान परिवार से आते हैं, वो यहाँ पे आंदोलनरत हैं। तो यकीनन पिता और बेटे दोनों ही आंदोलनरत हैं, तो इसी आंदोलन के साथ साथ ये जो वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की जो आतताई सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, और निश्चित तौर से जिस भी मैनिफेस्टो में होगा कि छात्रों की भलाई, युवाओं की भलाई, उसके लिए, क्योंकि हम लोगों का इतिहास रहा है, इतिहास से बहुत कुछ सीखना चाहिए। जब पूर्व में जब छात्र संघ बैन हुआ था, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनी थी, तो मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद उन्होंने फरमान जारी किया था, जो उस वक्त ये प्रदेश सरकार के अधीन था, ये राज्य विश्वविद्यालय था, उन्होंने कहा था अगर छात्र संघ पूरे प्रदेश में नहीं बहाल होता है, सभी प्रोफेसरों की ग्रांट रोक दी जाएगी, उनकी सैलरियाँ रोक दी जाएगी। तत्काल प्रभाव से उन्होंने छात्र संघ बहाल कराया था। तो हमको आज भी यकीन है कि जब अगर हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, वो किसानों की, नौजवानों की, छात्रों की, महिलाओं की बात करती है, निश्चित तौर से छात्र संघ बहाली में हम लोगों का अहम योगदान निभाएगा। अच्छा, अभी लेकिन योगी सरकार रोजगार की बात करती है और बड़े बड़े आयर लगता है, क्या कहना? देखिए योगी आदित्यनाथ जी की जो ये रोजगार की दावा कर रहे हैं, अदम गोंडवी साहब की, मुझे दो लाइनें याद आ रही हैं कि ये दावे झूठे हैं, ये आंकड़े किताबी हैं। मतलब ये वो कहते हैं कि तुम्हारे फाइलों में रंग का गुलाबी है, और ये दावे झूठे हैं, आंकड़े किताबी हैं। किधर है युवा इस बार, किधर बेरोजगार? ये सिर्फ मतलब वहाँ संसद भवन, अपने विधानसभाओं में ये फाइलें बस दिखाने काम कर रहे हैं, धरातल पर कोई काम नहीं है। मतलब युवा बेरोजगार इतना है कि अपने गले को फांसी के फांसेरियों पर झूल लगाने के लिए मजबूर रह रहा है, हंसिया कुदाल भी उठाने पर मजबूर नहीं हुआ। आप ये बताइए, BA BPED MED MPED करने वाला छात्र जाके किसानी और मनरेगा में काम करेगा? कभी नहीं। जब नए नए एयरपोर्ट बने सब तो उसकी आधारशिला रखने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी की। हमारा नाम सुधीर यादव, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। देखिए हमारे साथ ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र से, जिन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी बातें रखी, और उन्होंने साफ तौर पर ये संदेशा दे दिया है कि जो छात्र हित में जिसकी सरकार बात करेगी, उसी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के युवा और छात्र उन्हीं के साथ है। पत्रिका उत्तर प्रदेश से सुमित यादव, प्रयागराज।